मनीषा जी, जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह भी हों जो आपके विरोधियों के साथ लड़े। एक तो होता है राजयोग, लेकिन पीएम मोदी की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं कि विरोधियों में भी कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं नजर आता, कोई मुकाबले में नजर नहीं आता? देखिए, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल है। बात सिर्फ ये नहीं है, इस मंगल यानी कि लग्नेश की युति जो है वो नवमेश चंद्रमा के साथ है। ये एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर को जन्म देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कर्म आरूढ़ है, जो कर्म करने से रुकेगा नहीं। और कुछ ऐसे योग हैं जैसे कि पंचमेश बृहस्पति का और नवमेश चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में आना, ऐसे व्यक्ति से जितने भी उनके विरोधी हैं या जो भी वो प्रतिस्पर्धा करेंगे उसमें जीत उनकी होगी। अब अगर आप आजकल देखें, जब ये रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मंगल का गोचर अभी ही मेष राशि में हुआ है, जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में छठा भाव है। अब प्रतिद्वंदी तो यहाँ बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गोचर में बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, ये तीनों ग्रह इस समय दशम से दशम यानी कि सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो जीत तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है पीएम मोदी की, ये आप जान लीजिए। कहा जाता है मनीषा जी की पार्टी के भी अपने सितारे होते हैं और वो पार्टी के सितारे भी मैटर करते हैं जीत के लिए। और इस बार बीजेपी का, जिस तरह से पूरे एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें बीजेपी का जो सहयोग है, अकेले अपने दम पर भी बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के भी क्या सितारे होते हैं, क्या पार्टी के भी सितारे होते हैं, और होते हैं तो क्या कहते हैं वो सितारे? जी, अब अगर बीजेपी की कुंडली को देखें हम, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब जो दशा चल रही है इस पार्टी को इस समय, वो है चंद्रमा में बुध में शुक्र। अब शुक्र की जो ब्यूटी है वो देखिए आप, दशांश में जिसे हम कर्म के लिए देखते हैं या करियर ग्रोथ के लिए देखते हैं, वहाँ पर शुक्र उच्च के मीन राशि में बैठे हैं और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर नवांश में देखें तो बुध वृषभ लग्न की ये नवांश है, इसमें लग्नस्थ हैं और शुक्र एकादश भाव में फिर से एग्जॉल्टेड हैं, तो यहाँ पर अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा का एक बहुत ही ब्यूटीफुल योग आ रहा है और बहुत ही पावरफुल योग आ रहा है इस स्ट्रेंथ के आगे। तो अब ये कहना, ये क्या ही कहेंगे कि कोई और जीतेगा, ये तो बहुत ही क्लियर विक्ट्री है। और ये विक्ट्री इस बीजेपी की इस कुंडली से हम ये बता सकते हैं कि ये विक्ट्री सिर्फ 2024 की नहीं है, ये विक्ट्री 2029 की भी है। बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी 2029 में, क्योंकि ये पार्टी के चार्ट से बहुत ज़्यादा ही क्लियर है। अब अगर हम देखते हैं कांग्रेस की कुंडली को बीजेपी की कुंडली से हम कंपेयर करते हैं, तो कांग्रेस की कुंडली एक मीन लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य और शुक्र दशम भाव में बैठे हैं। सूर्य इस कुंडली का षष्ठेश है और शुक्र इस कुंडली का अष्टमेश है, दोनों युति बनाकर दशम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति से दृष्ट हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि बृहस्पति दशमेश है और अपने ही भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अब जो दशाएं चल रही हैं वो है बृहस्पति में राहु में सूर्य। इन दशाओं में कांग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करती, मगर अगर जैमिनी की चर दशाएं देखी जाएं, जो कि बहुत सटीक रिजल्ट्स देती हैं, तो मीन राशि की ही अंतर दशा चल रही है। यहाँ पर सूर्य अमात्य कारक है और दशम भाव में बैठा है, इससे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देगी इस बार। मनीषा जी ने एक हमारे शो में कहा था कि 2024 का जो साल है वो सनातन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है और विजय का साल साबित होने जा रहा है। मनीषा जी से सवाल ये है कि आपने ऐसा क्यों कहा था, हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी भविष्यवाणी सच होती यहाँ पर दिख रही है। जी, अब आप ये देखिए कि जैसे ही राम मंदिर प्रतिष्ठित किया गया है, ये एक लक्षण है इस बात का कि अब धर्म ध्वजा लहराएगी और सनातन का उत्थान होगा। राम सत्य हैं और सत्य ही अग्नि है,
हमने अखंड भारत के अग्नि चक्र को प्रतिष्ठित किया है, तो अब ये भी जान लीजिए कि अगर अखंड भारत के अग्नि चक्र को प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो जो अखंड भारत के टूटे हिस्से हैं वो वापस आएंगे। उसमें पहली कैजुअल्टी तो पीओके है जो जल्दी ही आने वाली है, और आप देखेंगे कि इस डेकेड के अंत तक और उसके आसपास, उससे कुछ आगे नेपाल भी भारत का हिस्सा फिर से बन जाएगा, तो ये होना ही है। इसलिए यहाँ राम राज्य का स्थापित होना इस बात का लक्षण है, जैसा कि मैंने कहा सनातन की धर्म ध्वजा इस लक्षण से हम देख सकते हैं कि लहराएगी। इसलिए आप जानेंगे कि भारत की कुंडली में भी जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, बृहस्पति सूर्य और मंगल का केंद्रों में आना और इनकी दशाएं चलना, ये एक राइट विंग पार्टी की जीत दिखा रहे हैं। तो भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया की हॉरोस्कोप से भी ये बहुत ही क्लियर प्रिडिक्शन है कि बीजेपी लेड एनडीए जीतने वाली है और एक अच्छी उम्दा जीत होगी। अब जल्दी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं जी। ये जानिए कि इस बार रिपब्लिकन चार्ट जो है इंडिया का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दिख रहे हैं। अगर ऐसा होना है तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही आएगी, तो 350 तो क्लियरली दिख रहे हैं, मगर 400 पार मुश्किल होगा।